और चलिए अब आपको दिखाएंगे कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। मॉनसून सत्र का आज सातवां दिन है। प्रश्नकाल से आज के दिन की शुरुआत हुई, सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई और विधानसभा में शून्यकाल की शुरुआत हो सकती है। बीते कल विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की थी। विधानसभा में संजौली अवैध मस्जिद का मामला भी गूंजा था और विधायक वेतन भत्ते संशोधन विधेयक पर भी चर्चा की गई थी। इसी के साथ सीएम ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है, बड़ा निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है। 5 सितंबर तक कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, साथ ही जो पेंशनर्स हैं उनको लेकर भी बड़ी जानकारी दी है सीएम सुक्खू ने। 10 सितंबर तक पेंशनरों को उनकी पेंशन मिलेगी। ऋण पर ब्याज से बचने के लिए भी फैसला लिया गया है। सैलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, पेंशन पर 800 करोड़ खर्च होंगे, सालाना यानी कि 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। आर्थिक संकट में प्रदेश नहीं है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यह बयान दिया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज हुई। विकास शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विकास जी, आज सातवां दिन है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सत्र की कार्रवाई का और हमने देखा कि इस दौरान कई मुद्दे आज उठे हैं, खासकर जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, आर्थिक संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाने की कोशिश की लेकिन शायद उस पर चर्चा नहीं हो पाई, इस वजह से वॉकआउट भी देखने को मिला। निश्चित रूप से वॉकआउट है और इस बात को लेकर वॉकआउट है कि आर्थिक स्थिति को लेकर जब मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे सदन के भीतर, उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम तो अपना काम कर रहे हैं और पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की जरूर है, लेकिन विपक्ष को ये भी समझना चाहिए कि किस तरह से पूर्व की जयराम सरकार ने जो है वो बदहाली इस पूरी आर्थिक स्थिति के लिए जो है वो पूरी तरह से वो भी जिम्मेवार है। फ्री बीज की बात जो है आज मुख्यमंत्री ने की, हालांकि अपनी जब गारंटियों की बात पे जब बात आई और जयराम ठाकुर ये बात कहते रहे कि आपने भी तो सत्ता में आने से पहले कुछ इसी तरह की गारंटियां दी हैं जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली और अन्य जो बातें आपने इसमें ओपीएस जैसे बड़े मसले जो है वो आपने इसमें किए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक बदहाली जो है क्या इन चीजों से नहीं होगी? क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार ये बयान दे रहे हैं और जब से सत्ता में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई है और सत्ता में आने से पहले जो वायदे यहाँ पर जनता से किए, क्या वो फ्री बीज नहीं है? क्या इन सबके पीछे कोई आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में पैदा नहीं हो सकती? आज हिमाचल में पहली बार इस तरह का इतिहास में पहली बार ये चीजें हो रही हैं कि एक तारीख बीत चुकी और 4 तारीख बीत गई पर लेकिन अभी तक पेंशनर्स को पेंशन और जो कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी हैं उनको अभी तक सैलरी नहीं दी गई। तो ये तमाम मसले हैं, इन मसलों को लेकर आज विधानसभा के अंदर तीखी नोकझोंक भी देखने के लिए मिली और मुख्यमंत्री के वक्तव्य देने के दौरान ही विपक्ष का वॉकआउट जो है वो भी विपक्ष ने असंतुष्टि जाहिर की उनके जवाब से और वॉकआउट भी किया। और यही नहीं, तीखी नोकझोंक जो है वो सदन के भीत देखने के लिए मिली दोनों ही दलों में, चाहे सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो। आर्थिक संकट के दौर के बीच में अच्छी खबर अब ये है कि जो लगातार इंतजार लोग कर रहे हैं, कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि सैलरी का मैसेज जो है वो अभी आना बाकी है, या पेंशनर्स की जो छोटी छोटी पेंशन होती हैं उनको भी बड़ी टेंशन है कि पेंशन जो है वो कब अकाउंट में आएगी। तो इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो है आज उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान ये बात कही है कि 5 तारीख को सभी कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी और उसके साथ ही 10 तारीख को पेंशनर्स को पेंशन जो है उनके खाते में आएगी। उनके लिए राहत जरूर है लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि ईएमआई कैसे देनी होगी या अन्य लोन जो दिए गए हैं उनकी ईएमआई कैसे देनी होगी और अन्य खर्चे जो है वो कैसे निपटाए जाएंगे। इसको लेकर विपक्ष ने अपनी चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि जो चीजें मुख्यमंत्री की तरफ से कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है और ऐसे में मुख्यमंत्री को कोई बीच का रास्ता कुछ और देखना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में ये कहा गया है कि एक बड़ा अमाउंट जो है यानी कि 1 करोड़ रुपए के आसपास से लेकर जो है वो 3 करोड़ रुपए तक का जो अमाउंट है वो कर्ज के रूप में जो है वो बचता है। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री जो है इसके पीछे और तर्क दे रहे हैं, इस पर भी आपत्ति जो है वो विपक्ष की तरफ से जाहिर की गई है। फिलहाल जो जीरो आवर है यानी कि जिसे शून्यकाल कहा जा रहा है संसद की तर्ज पर आज हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा में भी आज इसका आगाज होना था लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि थोड़ा समय दीजिए और इसमें शून्यकाल को अगले कल से आप आरंभ कीजिए, लेकिन आज इसे आरंभ कर दिया गया स्पीकर की तरफ से और
मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि पहले मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा की जानी चाहिए, अधिकारियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए, उसके बाद शून्यकाल जैसा जो अहम जो चीज जो व्यवस्था की गई है वो उसका स्वागत भी यहाँ पर किया गया है। ये कहा गया है कि ऐसे मुद्दे, ऐसे नोटिस जो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत लिए जाते हैं, लाए जाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे लाए जाते हैं, ये तमाम मुद्दों को जीरो आवर में जो है वो पूरी तरह से रखा जा सकेगा और जनता की जो समस्याएं, जो प्रश्न छूट जाते हैं प्रश्नकाल के दौरान, उनका भी समाधान जो है वो इस शून्यकाल के दौरान जो है वो किया जा सकेगा। तो अपने आप में एक नई परंपरा शुरू हो रही है, एक इतिहास की पहली ऐसी चीज जो है वो शुरू होने जा रही है। इसमें भी विपक्ष ने तो हालांकि इस पर अभी कोई बात नहीं कही, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से सभी ने इसका स्वागत किया है। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी जब इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि शून्यकाल का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन सरकार को कॉन्फिडेंस में स्पीकर ने नहीं लिया, तो इस बात का भी मुद्दा जो है वो विपक्ष की तरफ से बनाया गया। कहा गया कि स्पीकर की कार्यप्रणाली को लेकर भी असमंजस की स्थिति जो है वो अब पहले विपक्ष मान रहा था, अब सत्ता पक्ष के ही मंत्री जो है इस बात को कहकर कहीं ना कहीं पद की गरिमा, जो स्पीकर के पद की जो गरिमा होती है उसको ठेस पहुंचाने की बात यहां पर की जा रही है। तनातनी के बीच प्रश्नकाल तो ठीक से बीता और सभी सवाल जो है वो आए, लेकिन जब मुख्यमंत्री का वक्तव्य आर्थिक स्थिति को लेकर चल रहा था, आर्थिक संकट को लेकर चल रहा था, उसमें हंगामा हुआ और विपक्ष का वॉकआउट जो है वो देखने के लिए मिला। आज अब भोजनावकाश के बाद अब एक बार कार्यवाही शुरू हो गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नियम 130 के तहत जो है आर्थिक संकट को लेकर जो आज चर्चा होनी थी फिलहाल आज नहीं होगी, उसे शुक्रवार तक के लिए जो है वो टाला गया है। शुक्रवार को एक नियम 130 के तहत जो है ये आर्थिक संकट के ऊपर जो है वो चर्चा मुख्यमंत्री की तरफ से वो रखी जाएगी, प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा आज बेहद ही अहम मुद्दा है जो कि शिमला के ही जो संजौली इलाका है वहां पर किस तरह से अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर जो है लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, सरकार की जो जो बाकी अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जो इंतजाम हैं उनका जायजा लिया और अवैध निर्माण के ऊपर इंक्वायरी की बात जो है वो भी अधिकारियों की तरफ से जो है मौके पर आकर की गई। लेकिन आज इस बाबत एक चर्चा मांगी गई है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है नियम 62 के तहत सदन में रखा जाना है, उसको लेकर जो चौपाल के विधायक है भाजपा से, उनका बलवीर वर्मा जो है उनकी तरफ से ये चर्चा ध्यानाकर्षण के जरिए जो है मांगी गई है। दूसरा हरीश जनार्था जो कि शिमला शहर के विधायक है कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी चर्चा मांगी गई है। तो आज इसके ऊपर भी विषय जो है वो रखा जाएगा और अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो सदस्य हैं वो अपनी बात इस पे आज रहने वाले हैं। कुल मिलाकर अभी फिलहाल हंगामा तो हुआ, लेकिन हंगामे के बाद एक बार फिर से विधानसभा का जो सत्र है, सदन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अब देखना ही होगा कि क्या किसी और चीज को लेकर हंगामा होगा या फिर ये सत्र जो है वो चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच आर्थिक बदहाली का जो मुद्दा है उसको जरूर भुनाने की कोशिश जो है, उस पर जरूर राजनीति जो है वो सदन के भीतर आज देखने के लिए मिली है। बिल्कुल विकास जी, आर्थिक बहाली, आर्थिक मुद्दा हिमाचल प्रदेश का ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसी से मैं बातचीत हमारी और आगे बढ़ाना चाहूंगी। जैसे अभी आपने बताया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारी और पेंशनर्स को उनकी सैलरी और पेंशन पहली बार समय से नहीं मिली है और अब पता नहीं कब मिलेगी, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी है। तो अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से भी एक और बयान सामने आ गया है कि दिन में मुख्यमंत्री कहते हैं कि आर्थिक बहाली से प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन फिर शाम को अपना बयान बदलकर कह देते हैं कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल यही, यहां पर यही है कि आखिर प्रदेश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं? देखिए, उसके लिए बिल्कुल मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आर्थिक बदहाली जो है उससे बिल्कुल इनकार किया जा रहा है कि कोई आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो डिसिप्लिन है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात की जा रही है कि उसको करने की आवश्यकता है जिससे राज्य के जो खर्चे हैं उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। जो जो जीएसटी का जो ग्रांट मिलनी है या फिर और जो चीजें मिलनी है, जो डेफिसिट ग्रांट है अगर वो मिलती है तो वो 6 तारीख तक आती है, तो ऐसे में क्या हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो कि कर्ज के बोझ तले जो है वो दब रहा है, क्या इससे यानी जो आर्थिक बदहाली की आप बात कह रहे हैं, क्या उससे हिमाचल प्रदेश निकल सकता है? इसको लेकर राज्य सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया छोटे छोटे खर्चे जो है वो बचाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में जो है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आज एक अपने बयान को मुख्यमंत्री ने जो है वो फिर से दोहराया और सदन को ये बताया कि जो सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब पहले सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए गए थे उनको चरणबद्ध तरीके से तो पूरा किया जाएगा ही,
लेकिन उसके अलावा जो शुरुआत से ही एक बात मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है कि 2027 में हम पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक एक हिमाचल प्रदेश जो है देश का एक सबसे अमीर और सबसे मजबूत राज्य जो है वो यहाँ पर बनेगा। तो ये बात आज उन्होंने दोहराई है और इसके पीछे उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आगे करने के लिए कई कड़े कदम जो है वो भी उठाने होंगे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि फ्री बीज जैसी, देखिए क्योंकि ये कहा गया कि जो फ्री बिजली दी जा रही थी 125 यूनिट जो पूर्व की जयराम सरकार की तरफ से दी जा रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो ऐसे लोग जिनको उसकी जरूरत नहीं है उन्हें भी ये इस सुविधा जो है वो इस तरह से उनको जो है ये सुविधाएं दी जा रही थी, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर कोई टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स के दायरे में अगर कोई आता है तो उसे ये सुविधाएं जो है नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ये इन चीजों का पात्र जो है वो व्यक्ति नहीं होता। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो है कई बार 3 से 4 बिजली के मीटर लगाकर जो है इस सुविधा का लाभ जो है वो यहाँ पर ले रहा था। तो ऐसे में क्या इन चीजों से आगे जो है फर्क पड़ता है और किस तरह से अपने पैसे का जो नियंत्रण है, मैनेजमेंट है, वो किस तरह से किया जाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात जो है वो साफ की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पानी दिया जाता था, जो ग्रामीण इलाकों में फ्री पानी की घोषणा यहाँ पर की गई थी, या फिर जो महिलाओं को 50% जो फ्री यात्रा जो है वो HRTC की बसों में, सरकारी बसों में कराई जा रही है, या फिर इसके अलावा पुलिस को जो है वो जिस तरह से, हालांकि पुलिस को जो पुलिस के जवान हैं या पुलिस के जो जो भी पुलिस फोर्स में जो लोग होंगे उनको जो है फ्री यात्रा दी जाती थी, हालांकि वो फ्री नहीं है, कुछ अमाउंट जो है वो उसका सैलरी से डिडक्ट होता था। उसके अंदर भी फैसला जो है वो किया गया और फैसला जो है वो अपना बदला गया, जिसमें कहा गया कि कुछ पैसा जो है वो उनको जरूर देना होगा, हालांकि वो पैसे की जो आमद है, जो पैसा है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर बहुत सी चीजें हैं जिसका हवाला यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर इस तरह से पैसे का अगर मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि जो डिफिसिट ग्रांट जो यहाँ पर मिलती है, यानी जो पैसा जो है वो कर्ज के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिलता है, वो 6 तारीख को आता है। तो ऐसे में अगर उससे पहले इन खर्चों को अगर बचा लिया जाए तो एक बड़ा अमाउंट जो है आप बचा लेते हैं और जिसको आगे आने वाले समय में ऐसे जरूरतमंद लोगों को, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, या फिर गरीब लोगों के लिए, या फिर जिनको जरूरत है पैसे की, और अन्य योजनाओं में जो है इन पैसों को जो है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए वो राज्य सरकार कर रही है, इस बात का दावा भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। हालांकि विपक्ष इन तमाम चीजों से असंतुष्ट दिखाई दिया, यही एक बड़ी वजह रही कि आज विपक्ष ने वॉकआउट जो है सदन से किया। उसके बाद भोजनावकाश के बाद फिर से कार्रवाई शुरुआत उसकी हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे, कई महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है वो आज होनी है। कई मायनों में आज का दिन जो है बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कई मुद्दे आज रहे, अब भोजन अवकाश के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता और कितना हंगामेदार ये सत्र रहता है, देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी।